अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा फुल कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कैनवा की तकरीबन तमाम तर शॉर्टकट कीज़ को जानेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस ट्यूटोरियल में चार ऐसी शॉर्टकट कीज़ भी बताई गई हैं जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई। और हाँ, अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पर लैंड फरमा रहे हैं तो कैनवा की कम्प्लीट ट्रेनिंग वाली प्लेलिस्ट आपका इंतज़ार फरमा रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, सर्विसेज दीजिए और पैसे कमाइए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कैनवस को जूमिंग करने वाली शॉर्टकट कीज़ के साथ। तो जनाब, कंट्रोल के साथ प्लस के बटन को प्रेस करके आप अपने कैनवस को जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल और माइनस के बटन के साथ जूम आउट, और कंट्रोल के साथ ज़ीरो प्रेस करके अपने कैनवस को 100% जूम कर सकते हैं, जबकि आल्ट कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करके आप अपनी स्क्रीन के लिहाज से अपने कैनवस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहें तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट या बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दें, और अगर आप रेक्टेंगल शेप यूज़ करना चाहें तो जस्ट आर का बटन प्रेस कर दें तो रेक्टेंगल आपके कैनवस पर आ जाएगी। अगर आप सर्कुलर शेप यूज़ करना चाहें तो जस्ट सी का बटन प्रेस कर दें, जिससे सर्कुलर शेप आपके कैनवस पर आ जाएगी। अब अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की के ज़रिए राइट साइड से बड़ा कर सकते हैं, जबकि डाउन एरो की से डाउन साइड से बड़ा कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन तरीकों से इसका साइज़ तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी। तो जनाब, इसके लिए शॉर्टकट की ये है कि आपने आल्ट का बटन प्रेस करके आपने इसके साइज़ को बढ़ाना है, जिससे ये चारों तरफ से बराबर बड़ा होगा। इसके अलावा अगर आप लाइन एलिमेंट को यूज़ करना चाहें तो जस्ट एल का बटन प्रेस कर दें, जिससे लाइन एलिमेंट आपके कैनवस पर आ जाएगा। मैं जल्दी से इस लाइन की पोजीशनिंग कर देता हूं। अगर आप टेक्स्ट एलिमेंट अपने कैनवस पर लाना चाहते हैं तो जस्ट टी का बटन प्रेस करें, जिससे टेक्स्ट एलिमेंट आपके कैनवस पर आ जाएगा। अब इसकी पोजीशन को बैक ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपनिंग बड़ी ब्रैकेट की का इस्तेमाल करें, जिससे ये बैक पर चला जाएगा, और इसको फॉरवर्ड लेकर आने के लिए कंट्रोल के साथ क्लोजिंग बड़ी ब्रैकेट की का इस्तेमाल करें, जिससे ये फ्रंट पर आ जाएगा। मैं इसको बैक पर लेकर जाना चाहता हूं, तो इसको दोबारा से बैक कर देता हूं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो चार शॉर्टकट कीज़ बताता हूं जो कि आपको आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। तो मिसाल के तौर पर आप पीछे गई हुई टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट की ये है कि आपने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद टैब के बटन को प्रेस करते जाना है अनटिल आपकी मतलूबा लेयर सिलेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, मिसाल के तौर पर आपका टेक्स्ट दो लाइनों में लिखा है और आप इसे एक लाइन में लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो की का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके एलिमेंट की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और आपका टेक्स्ट एलिमेंट एक लाइन में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी एलिमेंट को रोटेट करना चाहें तो इस बटन से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की ये है कि आपने कंट्रोल के साथ लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर की का इस्तेमाल करना है, जिससे आप रोटेट कर पाएंगे। रोटेशन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो मेन्यू आइटम्स के कंट्रोल्स ओपन हैं, इनको आप हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश की का इस्तेमाल करें, जिससे ये हाइड हो जाएंगे। अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। इन चार शॉर्टकट कीज़ के बाद टेक्स्ट पर अप्लाई होने वाली शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए को प्रेस करके तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल बी प्रेस करके बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। और अब अगर आप इस टेक्स्ट एलिमेंट को देखें तो ये बोल्ड और अंडरलाइन दोनों ही हो चुका है, और इस एलिमेंट के अगर साइड पर देखें तो दोनों साइड पर स्पेसिंग मौजूद है, यानी कि ये टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर्ड अलाइन है। इसकी अलाइनमेंट कीज़ ये हैं कि कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए अगर आप आर को प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी प्रेस करने पर ये सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी एलिमेंट को कॉपी करना चाहें तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ कि आपने किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और दूसरे आइटम को सिलेक्ट करते जाना है।
मैं यहाँ पर दो आइटम्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर एक और शॉर्टकट की आपको बताता हूँ कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके तमाम लेटर्स लोअर केस में चले जाएंगे या फिर अपर केस में चले जाएंगे, यानी कि तमाम लेटर्स बड़े या छोटे हो जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ऊपर की लाइन में तमाम लेटर्स स्मॉल हैं, जबकि नीचे की लाइन में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। इसकी वजह क्या है आपने कमेंट करके ज़रूर बतानी है। अब मैं तमाम एलिमेंट्स को शिफ्ट प्रेस रखते हुए सिलेक्ट करता हूँ और इनको ग्रुप करने का तरीका बताता हूँ। तो आपने तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करना है, जिससे तमाम एलिमेंट्स ग्रुप्ड हो जाएंगे और आप तमाम एलिमेंट्स पर एक साथ मॉडिफिकेशन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो एरो की से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो वो 10 गुना ज़्यादा मूवमेंट करेगा। और अगर एलिमेंट्स को अनग्रुप करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जी के बटन को दोबारा प्रेस करें तो अनग्रुप हो जाएगा। अब मैं इन एलिमेंट्स को किसी भी एलिमेंट को छेड़े बगैर कोई और एलिमेंट इनमें शामिल करना चाहूँ तो शिफ्ट को प्रेस रखते हुए उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ और अब कंट्रोल जी दबाता हूँ और तमाम एलिमेंट्स दोबारा ग्रुप की फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं इनको एक साथ पोजीशनिंग या बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट। ये थी आज की वो वीडियो जिसमें आपने कैनवा की तमाम तर शॉर्टकट कीट्स को जान लिया है, तो जाइए इनको यूज़ कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या जाना कमेंट में राय का इजहार करें। इसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।